आहुति बाकी यज्ञ अधूरा अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधि की हड्डियां गलाए आओ फिर से। जब मैं राजनीति में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, तेरह महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेगी। एक लोकप्रिय नेता, ओजस्वी वक्ता और एक बेहद भावुक कवि, अटल जी की आवाज लगभग 50 दशक तक राजनीति के गलियारों में गूंजी और जब जब अटल जी ने भाषण दिया देश ने दिल थाम कर इनको सुना। DailyAddaa.com इस रिपोर्ट में आपके लिए लेकर आ रहा है अटल जी के उस खास भाषणों की एक झलक, सुनिए। सबसे पहले सुनिए अटल जी का वो भाषण जो उन्होंने भारत के विदेश मंत्री के तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में दिया था। मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था वह दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। अफ्रीका में चुनौती स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि किसी जनता को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रहने का अनपरणीय अधिकार है या रंग भेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा न्याय और दमन करता रहेगा। निस्संदेह रंग भेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए। हाल में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा में नई बस्तियां बसाकर अधिकृत क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन करने का जो प्रयत्न किया है, संयुक्त राष्ट्र को उसे पूरी तरह स्वीकार और रद्द कर देना चाहिए। यदि इन समस्याओं का संतोषजनक और शीघ्र ही समाधान नहीं होता तो इसके दुष्परिणाम इस क्षेत्र के बाहर भी फैल सकते हैं। यह अति आवश्यक है कि जिनेवा सम्मेलन का शीघ्र ही पुनः आयोजन किया जाए और उसमें PLO को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, भारत सब देशों से मैत्री चाहता है और किसी पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं चाहता। भारत न तो आणविक शस्त्र शक्ति है और न बनना ही चाहता है। नई सरकार ने अपने असंदिग्ध शब्दों में इस बात की पुनर्घोषणा की है। हमारी कार्यसूची का एक सर्वस्पर्शी विषय जो आगामी अनेक वर्षों और दशकों में बना रहेगा वह है मानव का भविष्य। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे। जय जगत, धन्यवाद। ये वो दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत में एक जननेता के तौर पर उभर रहे थे।
1980 में उन्होंने एक नई पार्टी को जन्म दिया जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी के जन्म के वक्त क्या कहा था, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद अलंकार की वस्तु नहीं है, ये पद नहीं है, दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं है, परीक्षा है, ये सम्मान नहीं है, चुनौती है, मुझे भरोसा है क्या आपके सहयोग से, देश की जनता के समर्थन से मैं जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभा सकूंगा। जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ मैं उनमें जाना नहीं चाहता। देश की राजनीति को अगर नैतिक मूल्यों पर चलाने का संकल्प किसी ने किया है और जो लोग उस संकल्प को कार्य में परिणत करने की शक्ति रखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर इकट्ठा हो गए। जनता पार्टी जयप्रकाश के सपनों को पूरा करने के लिए बनी। जनता पार्टी टूट गई मगर हम जयप्रकाश के सपनों को टूटने नहीं देंगे। जयप्रकाश किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, जयप्रकाश कुछ आदर्शों का नाम है, कुछ मूल्यों का नाम है। जयप्रकाश जी का पूरा जीवन, उनकी साधना, उनका संघर्ष, कुछ मूल्यों के साथ उनकी प्रतिबद्धता, ये हमारी विरासत के अंग है। हमने जयप्रकाश जी के अधूरे काम को पूरा करने का व्रत लिया। मैंने आपसे निवेदन किया हम राजनीति को कुछ मूल्यों पर आधारित करना चाहते हैं। राजनीति केवल कुर्सी का खेल नहीं रहना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कपास पैदा करने वाले किसान परेशान हैं, मगर कपड़े की कीमत 3 गुना बढ़ी। जूट का दाम तो सरकार ने ऐसा तय किया है कि जो जूट की पैदावार की लागत से भी कम है। सरकार दाम तय करती है मगर खरीदने का इंतजाम नहीं करती। छोटे किसान को जल्दी बेचना पड़ता है, वो घर में रख नहीं सकता, पौने पौने मूल्य पर बेचता है, शोषण का शिकार होता है, इसलिए किसान बिगड़ रहे हैं। केवल महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में, आंध्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में किसान न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, समन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुठभेड़ की राजनीति नहीं चाहती। पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता, लेकिन अगर मुठभेड़ हमारे ऊपर थोपी गई तो हम उससे कतराएंगे भी नहीं। जब चुनाव हुए श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुमत मिला लोकसभा में, विधानसभा में बहुमत मिला, लेकिन अल्पमत के आधार पर मिला। लेकिन हमारी चुनाव की प्रणाली ऐसी है, वोट कम सीटें ज्यादा, जनता पार्टी को भी उसका फायदा हुआ।
लेकिन जनता पार्टी अपनी सीमाएं समझती थी। चुनाव पद्धति के चर्चा के पश्चात अटल जी ने गांधीवादी समाजवाद की चर्चा करते हुए कहा, पूंजीवाद को भी अस्वीकार करता है और मार्क्सवाद को भी अस्वीकार करता है। सचमुच में दोनों जुड़वा भाई, एक भाई समानता को समाप्त करता है, दूसरा स्वतंत्रता को, मगर दोनों केंद्रीकरण को बढ़ावा देते हैं। इस परिस्थिति को हमें बदलना पड़ेगा। कुछ खबरों में, कुछ अखबारों में खबरें आ रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में गांधीवादी समाजवाद को लेकर कोई मतभेद नहीं है, मगर हमारी लोकतंत्रात्मक पार्टी है, हम आंख मूंद कर कोई बात स्वीकार नहीं करते, बहस करते हैं, अपना मत दृढ़ता से प्रकट करते हैं और जो बहुमत का फैसला होता है उसको स्वीकार करते हैं। हमने गांधीवादी समाजवाद को एक निष्ठा के रूप में स्वीकार किया है और इसके आधार पर हम भावी भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हमने संप्रदाय निरपेक्षता को भी स्वीकार किया है। सवाल यह रही कि लोकतंत्र से चलने वाली संसदीय पद्धति चलती रहे या लोकतंत्र से चलने वाली राष्ट्रपति की पद्धति आ जाए। राष्ट्रपति की पद्धति लाना चाहते हैं, उनकी लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है, उनके इरादे कुछ और हैं। वो जीवन भर राष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं, हमें उनसे सावधान रहना है। इस साजिश का भंडाफोड़ करना है, हमें उनके प्रयत्नों को कामयाब नहीं होने देना। हमें देश में कानून का राज्य रखना है, जंगल का कानून देश में चले इस बात की इजाजत नहीं दे सकते। जब मैं कहता हूं कि देश तकदीर के तिराहे पर खड़ा है, तो हमारे सामने जो संकट है उसको हम समझ लें। सवाल केवल नए प्रधानमंत्री को लाने का नहीं है, सवाल केवल सरकार को बदलने का भी नहीं है। नारे लगते हैं, भावी प्रधानमंत्री कौन होगा, मैंने सवेरे भी इसका उल्लेख किया था, ऐसे नारे नहीं लगना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री हो गई, 12 महीने में जादू उतर गया। एक व्यक्ति का उतरता हुआ जादू इस देश के संकट को नहीं उबार सकता, एक पार्टी का घटता हुआ प्रभाव हमारे बुनियादी प्रश्नों को हल नहीं कर सकता। किसी सरकार का लौलुहान दबदबा हमें वर्तमान मुसीबतों में से नहीं निकाल सकता। सवाल व्यक्ति का नहीं है, केवल दल का नहीं है, केवल सरकार का भी नहीं है। संकट व्यापक है, संकट गहरा है, संकट व्यवस्था का संकट है। सरकार पिछले 12 महीने में आर्थिक स्थिति को सुधारने में क्यों विफल रही है, इस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। जो स्थापित संस्थाएं वो टूट रही हैं, केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आर्थिक क्षेत्र में भी नए तनाव पैदा हो रहे हैं। हरजनों पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं, बहनों को बलात्कार का शिकार क्यों ज्यादा बनाया जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र के प्राण, 66 करोड़ लोगों की असमानता की उत्कट आकांक्षा और शोषण की स्थितियों से मुक्ति की तीव्र आतुरता में बसते हैं, लोकतंत्र से खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन्हें इतिहास लोक चेतना की तूफानी धारा में बहाकर ले जाएगा। आवश्यकता इस बात की कि गणतंत्र की रक्षा और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के संघर्ष में हम किसानों, मजदूरों, ग्रामीण गरीबों, दस्तकारों, युवकों, छात्रों तथा महिलाओं को भागीदार बनाएं और उनमें यह विश्वास पैदा करें कि अपनी स्थिति को सुधारने का उनका यत्न यथास्थिति को एकजुट होकर बदलने से पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। शिखर की राजनीति के दिल लग गए, तोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। पद पैसा
और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो वो दिल्ली में जाकर दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़े। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 1980 में जन्मी बीजेपी 16 साल बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 1996 में अटल जी प्रधानमंत्री बने। अटल जी संसद में विपक्ष के विश्वास मत के खिलाफ बोल रहे थे। ये वो दौर था जब भारत के इतिहास में पहली बार लोकसभा का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, यानी अटल जी को पूरा देश सुन रहा था। अटल जी को मालूम था कि उनकी सरकार गिरने वाली है। उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और जिस अंदाज में उन्होंने भाषण दिया उसके बाद से अटल जी का कद राजनीति में और देश में और ऊंचा हो गया। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे जसवंत मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करूंगा। नभी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। इस भाषण का नतीजा यह रहा कि 1998 में अटल जी 1 साल के लिए पीएम बने और उसके बाद 5 साल के लिए अटल जी की सरकार सत्ता में आई। तो ये थी अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों पर हमारी खास रिपोर्ट। DailyAddaa.com पर अटल जी से जुड़ी तमाम जानकारी, तमाम खबरें आप ट्रैक कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।